तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है वो इंट्रोडक्शन टू दराज देख ली है और प्रोडक्ट हंटिंग देख ली है। अभी हमारा टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बना हुआ आ रहा होगा, वो आप वीडियो जाके देख लें या फिर आप मेरे चैनल पे आके यहाँ पे सारे आके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहें। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियोज़ को काइंडली लाइक करें, ठीक है। तो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी ये दराज को देख सकें। और इसके अलावा भी जो है वो आने वाले वक्तों में नए कोर्सेज वगैरह आएंगे तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को यहाँ मिल सके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। अब हम लोग ने जो है वो दराज समझ लिया, दराज है क्या और प्रोडक्ट हंटिंग कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अब मेन चीज़ है सोर्सिंग। अब हंटिंग तो हम लोग कर लेंगे लेकिन अब मसला आएगा कि सोर्सिंग किस तरीके से की जाए, क्योंकि एक से एक प्रोडक्ट बड़ा बड़ा है मार्केट के अंदर। आप नेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मसला आएगा सोर्सिंग में। तो सोर्सिंग जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है। हर बंदा सोर्सिंग नहीं कर पाता है। और रही बात लेडीज़ की, तो लेडीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल होती है सोर्सिंग करना, ठीक है। हंटिंग तो फिर भी कोई ना कोई कर लेता हो, कि हंटिंग का ये होता है कि आप घर पर बैठे बैठे आपको हंटिंग करनी पड़ती है। तो आप जितने प्रोडक्ट आप मार्केट में जाकर सर्च करेंगे उससे ज़्यादा तो आपको नेट पे मिलेंगे प्रोडक्ट्स वगैरह। लेकिन अगर आप मार्केट से जाकर सर्च करेंगे तो मार्केट का तो अलग ही चार्म होता है, तो आपके जहन में वो आइटम बैठ जाता है, जबकि ऑनलाइन में जो है काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्सिंग की। तो सोर्सिंग के आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे काफ़ी मेथड है, जैसे कि योर सिटी होलसेल मार्केट, ठीक है। आपके शहर में आसपास जिस सिटी में आप रहते हैं बाकी होलसेल मार्केट क्या है वहाँ पर आप जाके बेच सकते हैं, ठीक है। नंबर टू पे है दराज, ठीक है। दराज के जरिए भी आप जो है वो होल सेल सप्लायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर थ्री पे है फेसबुक ग्रुप, तो फेसबुक ग्रुप पे भी आप जाके कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर फोर पे है व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जाके होल सेलर सप्लायर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो अदर मार्केट प्लेसेस, ये लाइक OLX.com हो गई, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गई, इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान की वेबसाइट वगैरह है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर इन दी एंड लास्ट ऑप्शन आते हैं ये उन लोगों के लिए जिनके पास काफ़ी अच्छा बजट होता है, तो वो फिर AliExpress या Alibaba से सोर्सिंग कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये है चाइना की वेबसाइट, चाइना से आप डायरेक्ट सोर्स करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। आप ये छह टॉपिक जो है वो हम छह वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे योर सिटी होलसेल मार्केट्स स्लैश ChatGPT, ठीक है। इसके आगे मैंने ChatGPT क्यों लगाया वो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब योर सिटी होलसेल मार्केट क्या है, तो अब हम यहाँ पे हैं ChatGPT पे आ जाएं। बहुत आसान है, आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे ChatGPT और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ChatGPT खुल जाएगा, आपने सिंपल अपनी जीमेल डालनी है, उससे आप लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने देखना है कि योर सिटी होलसेल मार्केट, ठीक है। अब आप उससे एक काम करना है कि आपने अपना इसको सिटी ने बनाया, ठीक है। आई एम लिविंग इन कराची, तो प्लीज़ टेल मी होलसेल सप्लायर इन माई सिटी। ChatGPT को प्रॉम्प्ट देंगे तो उसका आंसर आप दे देगा। अब डिपेंड करते हैं नीच क्या है, अब जो भी आपकी नीच है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम टाइप करते हैं आई एम लिविंग इन कराची, सो प्लीज़ टेल मी होलसेलर सप्लायर इन द सिटी। तो अब ये क्या करेगा, आपको आप जिस सिटी में रहते हैं ये आप लोगों को उस होलसेल मार्केट का नाम बता देगा। अब ये देखिए मेरे स्क्रीन पर, अगर आप लोगों को नहीं पता बिल्कुल भी, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर ChatGPT क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अक्सर होते हैं कि अपने सिटी में रह रहे होते हैं लेकिन उनको होलसेल मार्केट नहीं पता होता। आप वो चाहते हैं वो पूछें किससे पूछें भाई, तो ChatGPT से कोई अच्छा आंसर दे नहीं सकता, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, कराची की बात करो तो यहाँ लिखा हुआ है बोल्टन मार्केट कहाँ पे है, ये लोकेटेड इन सदर एरिया, इट्स मार्केट इज नोन एज अ वाइड रेंज ऑफ होलसेल गुड्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर किचन एंड मोर, ठीक है। अब देखें आप अगर कराची में रहते हैं तो बोल्टन मार्केट में क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर मिल जाएंगे आपको, होलसेलर हार्डवेयर मिल जाएंगे आपको और किचन वगैरह मिल जाएंगे आपको, यानी जिस नीच में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए आसानी हो गई, ठीक है। अब जोड़िया बाजार में क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट होलसेल मार्केट इन कराची, जोड़िया बाजार फेमस फॉर स्पाइसेस ग्रेन्स पल्सेस एंड गुड्स, ग्रोसरी आइटम मुझे अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अब नंबर थ्री पर तारिक रोड, वे आर प्राइमरी नोन फॉर रिटेल शॉपिंग, सम होलसेल ऑल्सो अपडेट हियर स्पेशली क्लोथिंग। अच्छा, अब तारिक रोड पर क्या मिल जाएगा मुझे, क्लोथिंग एंड फैशन एसेसरीज। अच्छा, यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि मेजोरिटी आपको रिटेल शॉप मिलेंगी, होलसेलर नहीं मिलेंगी, लेकिन इक्का दुक्का यहाँ कह भी रहा है कि होलसेलर शॉप भी आपको मिल जाएंगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि तारिक रोड पर मुझे अच्छे से शॉप विजिट करने पड़ेंगी, क्योंकि हर बंदा वहाँ होलसेलर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे समझ में आ गई। अब लिखा है शेर शाह मार्केट, अ हब फॉर ऑटो पार्ट्स एंड मशीनरी, दिस मार्केट कैटर्स टू दोज लुकिंग फॉर ऑटोमेटिव, ठीक है। अगर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं जैसे लाइक कार्स पार्ट्स बाइक पार्ट्स, तो शेर शाह मार्केट नंबर वन इसके लिए, ठीक है। नंबर फाइव पे है लाइट हाउस मार्केट, आप लोग होलसेल क्लॉथिंग पर्टिकुलर फैब्रिक अनस्टिच फैब्रिक रेडीमेड गारमेंट्स एंड शूज, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट हाउस में गारमेंट्स वगैरह शूज क्लॉथिंग मिल जाएंगे आपको, जो कि यूज आइटम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। नंबर सिक्स पे खारादर एंड
मीठा दर, दिस आर नोन फॉर होल टेक्सटाइल क्लॉथिंग मटेरियल, तो यहाँ पे आपको टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और फिर एक फॉर मोर स्पेसिफिक सप्लायर टू गेट इन टच विद होलसेल क्लॉथिंग यूज इन ऑनलाइन पेज पाकिस्तान, या कुछ पाकिस्तान के ब्रांड के नाम दे रहे हैं जो ऑलरेडी ये सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मुझे यहाँ से आइडिया हो गया, अब मैं इसको यहाँ फॉर्म देता हूँ कि आई एम लिविंग इन कराची, तो टेल मी होलसेलर सप्लायर इन माई सिटी ऑफ किचन गैजेट्स। अब यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैंने इस पर लिख दिया कि मैं कराची में रहता हूँ, मुझे होलसेल पर बताओ किचन गैजेट्स के। अब जो भी आपके नीचे वहाँ आप टाइप करते हैं, तो देखें क्या बोल रहे हैं, बोल्टन मार्केट, वही सबसे पहले ऊपर दिखाया था, बोल्टन मार्केट में बता रहे हैं होलसेलर डील्स ऑफ किचन गैजेट्स एक्सेसरी। आप बता रहे हैं कि तारी रोड पर भी आपको मिल जाएंगे, तो बोल रहे हैं लीलाफ्ताबाद सुपर मार्केट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, नासाबाद कमर्शियल एरिया, मैंने स्टोर है ऑफर किचन गैजेट्स एंड शेयर एट होलसेल प्राइस, ठीक है। यानी नासाबाद की भी कुछ शॉप ऐसी हैं जो मुझे वहाँ से किचन आइटम्स मिल सकते हैं। उर्दू बाजार, ठीक है, आप बताए थोड़ा प्राइमरी नोन फॉर बुक्स, अभी कह रहे हैं कि उर्दू बाजार में जो है बुक्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शॉप ऐसी हैं जो किचन वेयर गैजेट्स बल्क में सेल कर रही हैं, ठीक है। कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं जो बल्क में सेल कर रहे हैं, वो आपको आसानी से नहीं मिलते, आपको विजिट करनी पड़ती है शॉप, ठीक है। तो ये इसने बता दिया, तो इस तरीके से आपने अपना शहर का नाम लिखना है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो है वो होलसेल मार्केट मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया योर सिटी होलसेल मार्केट एक्टिविटी। अच्छा, अब इसमें लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं ना कि हम तो कराची, लाहौर, फैसलाबाद में नहीं रहते, तो हमारी तरफ से होलसेल मार्केट है ही नहीं। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि मुझे फॉर्म देनी है कि मेरे सिटी में बताओ कि होलसेल मार्केट कहाँ है, ठीक है। ये तो हो गया नंबर वन, तो उनके पास फिर ऑप्शन बचते हैं ये वाले, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हम कवर करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियोस में, किस तरीके से आप जो है वो होलसेल सप्लाई मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा तरीका ये होता है कि फिर वो इन सिटीज में आए, अगर आप तो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो फिर आपको मजबूरन जो है वो इन सिटीज को विजिट करना पड़ेगा। जैसी बात है, आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते और किसी को ऑनलाइन ढूंढेंगे या आपको मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड वगैरह होगा, फ्रॉड वगैरह होता है, अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन जब आप प्रॉपर काम करने जा रहे हैं तो आपको मैं एडवाइस देंगे तुमको कि आप बकायदा अपने सिटी से मूव करें, वहाँ जाके देखें वगैरह कि वहाँ पे कौन कौन से सप्लायर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं डीलिंग करते हैं, अपना बजट बताते हैं, तो फिर वहाँ पे आप लोग काफ़ी डिस्काउंट मिल जाते हैं, और फिर जान पहचान रेफरेंस वगैरह भी आपको मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो पहला पार्ट है कि आप लोग जो है वो अपने शहर में रहते हुए किस तरीके से जो है वो अपने होलसेल मार्केट जो है वो फाइंड कर सकते हैं।